तो हे एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप यार अच्छे हो गए। तो आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर 3 हुआ गूगल एडवर्ड का। दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि हम अपने गूगल एडवर्ड में अकाउंट में पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम इत है एंड आप देख रहे हो एवन टेक्निकल सॉल्यूशन। अब हम अपने गूगल एडवर्ड अकाउंट में पैसे ऐड करके आपको दिखाने वाले हैं। चलिए हम अपने कंप्यूटर से चलते हैं। दोस्तों हम आज के कंप्यूटर से यहाँ पे हम गूगल एडवर्ड ओपन कर रखे हैं एंड यहाँ पे हमने अकाउंट को भी ओपन कर रखा है। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हो तो फिर ये इंटरफेस आपको याद होगा, हम यहीं पे वीडियो को एंड किए थे। तो यहाँ से आगे हम गूगल एडवर्ड में पैसे ऐड करने सिखाने वाले हैं। तो अभी तक आप मेरे ट्यूटोरियल को नहीं देखे हो तो देख लेना, पीछे का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एंड आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें हमने बिना कैंपेन रन किए अकाउंट क्रिएट करने सिखाया था एंड अब हम पैसे ऐड करने सिखा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, फिर से आपको टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक करना है। इस इंटरफेस पे आने के बाद यहाँ पे मैं टूल्स एंड सेटिंग पे फिर से क्लिक किया एंड समरी पे क्लिक कर रहा हूँ। समरी पे क्लिक करके मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, ये आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट एंड सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे अब आपको अकाउंट टाइप में आपको क्या रखना है, इंडिविजुअल रखने हैं। आपको अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल रखने हैं। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों आपको पेमेंट मेथड चुनने हैं। तो यहाँ पे आप ऐड क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड किसी भी चीज को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का आप नंबर लिखोगे, इसके बाद आपको सारा का सारा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आप कुछ नंबर लिखोगे तो यहाँ पे आपको इंटरफेस पूरा का पूरा मिल जाएगा, डेबिट कार्ड का जितना इंटरफेस लिखने को मिलते हैं अदर प्लेटफॉर्म पे, अदर पेमेंट मेथड पे, जैसे कि आप मंथ, ईयर, सीवीवी कोड एंड अमित कुमार जिसका कार्ड नंबर है, उसका नाम एंड एड्रेस जो भी है सारा कुछ फिल कर रहा हूँ। इसके बाद फिल करने के बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ने हैं एंड पूरे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट भरने हैं। अब क्या अमाउंट भरने हैं, जो आप डालना चाहते हो, जो अमाउंट आप पे करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं 2000 रुपया एड करने वाला हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे बस आपको ये चेकबॉक्स पे एक्सेप्ट करने हैं कि मैं टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक करने हैं। जैसे इतना कुछ करोगे आपका पेमेंट मेथड रेडी हो जाएगा आपको पेमेंट देने के लिए आपका बैंक, ठीक है। आपको कंफर्मेशन करने हैं सारे कुछ, यहाँ पे कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पे आपके बैंक से लिंक हो जाएगा, ये बैंक से आपको पासवर्ड लेंगे, मतलब ओटीपी आपके जाएंगे मोबाइल पे, ओटीपी फिल करना है, पेमेंट ओके करना है, मतलब आपका पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फटाफट हम ओटीपी फिल करते हैं एंड अपने पेमेंट को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट पेमेंट पे क्लिक करते हैं एंड फिलहाल हमारा पेमेंट रिसीव हो रहा है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, हमारा पेमेंट रिसीव हो जाएगा फिर आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों हमारा पेमेंट रिसीव हो चुका है, तो हमारा पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देखो 00 दिखा रहा है, बट हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे आप देखो नीचे में यू एडेड 2000 रुपीज योर अकाउंट। आज के डेट पे मतलब 27 ग्रेड पे हमने 2000 रुपया एड किया है, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड फिर से मैं यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक करता हूँ एंड समरी पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा 2000 का क्रेडिट देखने को मिल रहा है आपको। दोस्तों हमारा 2000 रुपया एड हो चुका है जो हमने यहाँ पे एड किया। तो इस प्रकार से आपको पेमेंट एड करने हैं। अगर आप चाहते हो और भी पैसे एड करने हैं या आप अकाउंट क्रिएट कर लिए हो एंड बाद में आप पैसे एड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन भी दिखेगा, इस पे आप क्लिक करके एंड पेमेंट और भी एड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से अगर आप और पैसे एड करने हैं, जैसे 500 और एड करने हैं तो मेक पेमेंट पे क्लिक करना है एंड फिर से आप अपने जो पेमेंट मेथड है उसके थ्रू आप पैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नेट बैंकिंग हर कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप अपने अनुसार से पेमेंट कर लेना, ठीक है। तो हमारा पेमेंट ऐड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम अपने कूपन कोड को भी इनेबल करने वाले हैं। जो हमने कूपन कोड का जो बार कोड लिया था, मतलब कूपन कोड ऑफर कोड हमें 2000 का मिला था, वो भी हम इनेबल करने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा देखना। यहाँ पे दोस्तों हमारे मेल के ऊपर में कूपन कोड आ चुका था। अब क्या करना है दोस्तों, अपने अकाउंट में टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको चले जाने हैं प्रमोशन पे, टूल्स एंड सेटिंग पे ही क्लिक करने हैं आपको। इसके बाद प्रमोशन पे क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन यहाँ पे दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करने हैं एंड क्लिक करने के बाद जो प्रमोशन कोड यहाँ पे आपको डालने हैं, जो हमने हमारे कोड यहाँ पे आ रखे हैं प्रमोशन कोड, यहाँ पे देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसे कॉपी करके एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ एंड सबमिट कर देने हैं, ठीक है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपका प्रमोशन कोड रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा प्रोमो कोड एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे आप दोस्तों फिलहाल कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है बैलेंस, मतलब हमारा ये कूपन कोड अवेलेबल हो चुका है, बट ये हम स्पेंड कब कर सकते हैं, ये हमें मिल जाएगा 28 अक्टूबर को एंड हमें ये एक्सपेंड करना है 31 मई 2022 तक हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो 28 अक्टूबर 2021 में हमें मिल जाएगा ये 2000 का कूपन एंड हमें 31 मई 2022 में हमें तक एक्सपेंड कर देना है, 2022 तक एक्सपेंड कर देना है। ये कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, हर कुछ हम आगे भी वीडियो में कवर करेंगे।
तो आई होप आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो यार लाइक वीडियो को, एंड अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आगे की जो वीडियो आने वाली हो वो भी आपको मिल जाए, एंड सीख पाओ कि कैंपेन कैसे रन करने हैं, एंड इस कूपन कोड को रियली में एक्टिव कैसे कर सकते हैं, इसका यूज कैसे कर सकते हैं। अभी तक तो हमने इसे सिर्फ ऐड किया अपने अकाउंट में, बट इसे यूज कैसे करना है हम आगे आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ट्यूटोरियल को फुल फॉलो कीजिए, तभी आप सीख पाइए। चलिए यार इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड बाय बाय।